हाई एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल ऋषभ अरोड़ा। टुडे आई एम एट ईसी रोड नियर सर्वे चौक एरिया। जिन लोगों को नहीं पता, दिस एरिया इज़ इन द मिड्स ऑफ द सिटी, येट जिस लोकेशन पे मैं हूँ आज, वो लोकेशन कैन बी कंसिडर्ड अ पॉश लोकेशन, अ पॉश लोकेलिटी विद वेरी गुड कनेक्टिविटी टू दी होल सिटी। अगर आप लोगों को राजपुर रोड जाना है, कैनाल रोड जाना है, तो उसके लिए यू नो यू डोंट हैव टू टेक अ लॉट ऑफ टर्न्स। इट्स कनेक्टेड वेरी वेल टू द ऑल ऑफ द सिटी। आई विल अर्ज एवरीवन टू नॉट टू स्किप दिस इंट्रो, बिकॉज इंट्रो में मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो भी इस घर से रिलेटेड है। इसके बाद जो घर का टूर स्टार्ट होगा, एज इट्स द ओनर इज करेंटली रेजाइडिंग हेयर, तो मैं हर चीज़ डिटेल में नहीं दिखा पाऊँगा इन टर्म्स ऑफ द हाउस इंटरनली। तभी मैं आपको इंट्रो में सारी इन्फॉर्मेशन देने जाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, 350 स्क्वायर यार्ड्स, 350 गज के एरिया में घर बना हुआ है, कोठी बनी हुई है, ठीक है। कार पार्किंग आपको दो मिल जाएगी, साथ में यू विल गेट टू व्हीलर पार्किंग अलॉन्ग विद दैट सेपरेटली। साथ में नीचे एक गार्डन स्पेस मिल जाएगा आपको, एंड इट हैज़ टू सेपरेट एंट्रीज टू दिस हाउस। एज यू कैन सी इन माई बैकड्रॉप, आपको ऐसा व्यू भी मिल जाएगा फ्रॉम द टेरिस। इट हैज़ टू टेरिस। इन दिस हाउस देर आर फोर बेडरूम्स, राइट, एंड अ सेपरेट लिविंग एरिया, अ सेपरेट डाइनिंग एरिया, एंड थ्री लेवल्स। वाई एम आई सेइंग थ्री लेवल्स? बिकॉज देर इज़ अ बेसमेंट एज वेल इन दिस हाउस। द बेसमेंट इज कन्वर्टेड इन टू एन ऑफिस स्पेस। दैट ऑफिस स्पेस इज 700 स्क्वायर फीट ऑफ सेपरेट एरिया। इट हैज़ अ सेपरेट वॉशरूम एंड अ सेपरेट एंट्री ऑल टुगेदर। मची अपार्ट फ्रॉम दैट, आई मेंशन एवरी डिटेल इन टू द डिस्क्रिप्शन इन अ लिस्ट फॉर्मैट, सो यू कैन गो थ्रू दैट एंड आपको सारी डिटेल्स एक बार में पता लग जाएंगे अलॉन्ग विद द प्राइस ऑफ द हाउस, ठीक है। तो दिस इज द मेन एंट्रेंस टू द हाउस। This is the garden space I was talking about. As you enter the garden space, बहुत अच्छा decent space है, and owner ने काफ़ी अच्छे से maintain भी करके रखा हुआ है garden space को। आप यहाँ पर सर्दियों में आराम से बैठ सकते हैं। And इसके अलावा मैं आपको पहले बता रहा था कि there is a separate entrance for the house, for the office. So that is the separate entrance, ठीक है, that connects to this basement, and this basement, as I already told you, there's a separate office space, 700 square feet of separate office space in the basement. Hi everyone, just one quick thing, video mein aage badhne se pehle main aapko urge karunga, please subscribe to the channel. Agar aapko videos sahi lagte hain to aap subscribe kar sakte hain, and agar thode zyada acche lagte hain aap like chhod sakte hain, comment chhod sakte hain, और अगर बिल्कुल ही पसंद नहीं आते तो देर इज़ ऑल्सो बटन ऑफ डिसलाइक। आपको जो अच्छा लग रहा है वो कर सकते हैं, बट जस्ट रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब, इट्स फ्री एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। दिस इज द पार्किंग स्पेस। इजीली यू कैन पार्क अ बिग एसयूवी हियर अलोंग विद सम टू व्हीलर्स। सो दिस इज द ग्राउंड फ्लोर एंड द मेन एरिया ऑफ द हाउस। नीचे एंड यू विल फाइंड द बेसमेंट। बेसमेंट इज कन्वर्टेड इनटू एन ऑफिस स्पेस। आई शो यू, this is the basement converted into an office space. This is the entry of the house. As you enter, you see this huge open airy space. That's the bar separately. This is the dining location. That is the stairs that go to the basement and to the first floor. This is the kitchen area. I'll show you the kitchen area. Before that, this is the bar that I showed you already. This is the kitchen area. Huge kitchen, 12 by 12 is the size for the kitchen. A lot of details to the bar. As you can see, look at these lights also, add a very good touch to the whole space. So these are the stairs that go to the office, that is the basement that I showed you. 700 square feet of separate area downstairs, stairs that go to the first floor. So this is the space for the guest. There's a common washroom that everyone can use. On the right side,
there is the master bedroom on the ground floor. This is the master bedroom, open, airy. I'll not show everything in detail because to respect the owner's privacy. So this is the utility area and the washroom combined. Good enough, huge space. On my right, this is the walk-in wardrobe. Very good space in this as well. Enough and enough storage from top to bottom. There is no lack of storage in this house and in this bedroom. This is the area. To get out of the master bedroom, you see the formal sitting area. The sitting space is on your left when you enter the house. Beautiful open space with a lot of windows and air. This is the quick glimpse of the area. This is the first floor of the house. As you can see, when you enter the first floor stairs, you see this living area on top, and on my left there is a bedroom. I'll show you the bedroom first. As you enter the bedroom, it's a huge space. First of all, you notice there's a huge space. No lack of space in this house. No lack of, you know, air and ventilation. Enough windows everywhere. The layout is also really good. So there's another bedroom attached to this bedroom. You can make it a study area or anything that you want. Pure ghar mein there's enough space. There is a washroom and a walk-in wardrobe in this bedroom. Quite good storage area. You can have ample and ample of clothes here, and there's a washroom here attached. I won't go inside in the washroom, but this is the walk-in. This is the study and bedroom. You can, it's up to you how you want to utilize this space. There's enough lighting in this room as well, and this is the main bedroom. Alright, when you get out on the first floor again, this is the kind of the lobby area. So this is the guest bedroom that is there. I'm sorry, the lights are closed. So this is the guest bedroom, currently used as a storage area, but this also has a washroom attached. Alright. As you get out of that room, you see there is one more room. So this is the storage area, and on my left there is the mandir. Alright. So this is the layout of the house, as you can see. And this is the terrace area. So this is the terrace area. Very beautiful. As you walk, and you can see the main gate of the house. So जैसा कि आपने घर देख लिया ऑलरेडी, मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया घर में बिकॉज द ओनर इज स्टेइंग राइट नाउ विद हिज होल फैमिली. तो मैं उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना चाहता था, एंड आई कुडंट शूट बहुत सारा, जितना फुटेज मैं चाहता था उतना शूट नहीं कर पाया. बट आप लोगों को जिस्ट मिल गया है, आपने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली हैं, फ्रॉम द टेरेस, फ्रॉम द बेडरूम, फ्रॉम द लिविंग रूम, फ्रॉम द मास्टर बेडरूम, फ्रॉम द ऑफिस स्पेस, एवरीथिंग यू हैव सीन. पार्किंग भी आप देख चुके हैं, दो कार पार्किंग मिल जाएगी आपको, एंड दो साइड रोड मिल जाएगा आपको घर के बाहर जो 20 फीट वाइड है, जो आपको मैनूवरेबिलिटी में कार की कोई इशू नहीं आने वाला है यहाँ पे, ठीक है. स्पेस भी आपको पता है घर में कितना है, एंड द आस्किंग प्राइस इज़ 4 crore, ठीक है. मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, अलॉन्ग विद सारी इन्फॉर्मेशन एक लिस्ट फॉर्मेट में डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख लीजिए एंड गिव मी अ कॉल. थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन.